मंडलेश्वर महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुए मेडिकल कॉलेज का बजट में उल्लेख न होने से स्थानीय नागरिक खफा हैं। इस विषय को लेकर नगर और आसपास के प्रबुद्ध नागरिक ब्राह्मण धर्मशाला में एकत्रित हुए। मेडिकल कॉलेज के संबंध में राज्य सरकार से संवाद स्थापित करने के लिए माहिष्मती विकास मंच का गठन किया गया, जिसमें ओम प्रकाश अग्रवाल, नवीन चंद्र जैन, पदेन अध्यक्ष व्यापारी संघ मंडलेश्वर महेश्वर करही, संजीव महोदय, बी के उपाध्याय एवं भालचंद्र जी जोशी को मार्गदर्शक मंडल में रखा गया है। उपस्थित प्रबुद्ध जनों ने कहा कि निमाड़ के लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। एक एक करके यहाँ की सुविधाएं या तो बंद की जा रही हैं या छीनी जा रही हैं। ओम प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि एक बड़ी सौगात मिली थी जो छीन ली गई। हमें अब तन मन धन से संघर्ष हेतु तैयार होना चाहिए। इस अवसर पर नवीन जैन ने कहा कि एकजुट होकर काम करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। हमारा मूल उद्देश्य मेडिकल कॉलेज की स्थापना है, इससे उन्नति होगी। क्षेत्र के सत्तारूढ़ दल के पदाधिकारियों को भी आगे आना होगा। व्यापारी संघ अध्यक्ष अनिल पाटीदार ने कहा कि सभी मंडल अध्यक्षों को भरोसे में लेकर दोनों सांसदों से मिले, फिर भोपाल की दौड़ लगाएं। बैठक में निश्चित किया गया कि आंदोलन किसी पार्टी का ना होकर नागरिक आंदोलन बने, राजनीतिक लोग पीछे रहे और सामाजिक छवि के लोग आगे आए। बैठक में जोहर सेफी, शर्मिला मोयदे, माधुरी उपाध्याय, वीरेंद्र पाटीदार, सचिन पाटीदार, मनीष राठौर, वरुण अग्निहोत्री, सतीश केवट, अमर मोयदे सहित समाज के प्रत्येक वर्ग से लोग उपस्थित थे। डिजियाना न्यूज निवार रिपोर्ट, मंडलेश्वर।